श्री दुर्गा उत्सव समिति व्यापारी संघ गोविंद गार्डन रायसेन रोड भोपाल के अध्यक्ष रिंकू भटेजा ने बताया कि दशहरे को विशाल भंडारा सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त हुआ। भंडारे में 5100 भक्तों के प्रसाद की व्यवस्था की गई थी। भंडारे में स्टील की प्लेट, कटोरी, गिलास इत्यादि का इस्तेमाल किया गया ताकि प्रदेश में पर्यावरण की रक्षा हो सके। सर, आज विजयदशमी भंडारे का आयोजन हुआ, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपके यहाँ डिस्पोजल नजर नहीं आए। ये श्री दुर्गा उत्सव समिति व्यापारी संघ गोविंद गार्डन सही 27वां वर्ष है। हम 2-3 साल से प्रयास कर रहे हैं कि पर्यावरण की रक्षा के लिए डिस्पोजल को यूज ना किया जाए। जो सिंगल यूज प्लास्टिक बिल्कुल भी हमने यूज नहीं किया गया है। स्टील की थाली, स्टील के गिलास, स्टील की कटोरी में प्रसाद का वितरण किया जा रहा है। लगभग 5000 लोगों के लिए प्रसाद की व्यवस्था की गई। सर, आपके भंडारे में देखा महिलाओं की व्यवस्था ही अलग से रखी गई है। हम देखने में आता है कि महिलाएं भीड़ भाड़ में जाने से थोड़ा सा चूकती हैं, इसलिए हमने महिलाओं की व्यवस्था अलग की है और पुरुषों की व्यवस्था अलग से की है ताकि वो आराम से प्रसाद ले सकें। सर, कई बार भंडारे में देखा ऐसे भंडारा होते नहीं, आपके यहाँ बिल्कुल घर जैसा माहौल देते रहे। अभी तो भोलेनाथ माता रानी की कृपा है कि लोग यहाँ प्रसाद ग्रहण करने आते हैं, ये सब उनके आशीर्वाद। नाम बता दीजिए। रिंकू भटेजा, अध्यक्ष श्री दुर्गा उत्सव।